भाइयों बहनों, हम लोगों को आज याद इस बात की आती है कि एक ऐतिहासिक दिन है हम लोगों के लिए, वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का 128वां जन्मदिवस। हम उनके इस जन्म दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, शुभकामना देते हैं और सभी समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि आज भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की बड़ी आवश्यकता है। अभी जब चुनाव का समय है, हम लोग हर जगह बात करते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत मेहनत के बाद ड्राफ्ट के संविधान बनाया था और संविधान में बहुत ऐसे बातों की चर्चा की थी जिसका उन्होंने सोचा था कि यदि इसका अनुपालन होगा तो हिंदुस्तान के गरीब तबके के लोगों को न्याय मिल सकेगी। उसी में एक आरक्षण का भी मामला था, आरक्षण भी उन्होंने दिया था। आज हम देख रहे हैं आरक्षण आज काटा जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। काटा किस रूप में जा रहा है? 1960 के आसपास सरकारी क्षेत्रों में 80% सेवाएं थी, जहां सेवाएं ज्यादा होती है वहीं पर आरक्षण का लाभ हमको मिल सकता है। लेकिन ये सरकार जो खास करके एनडीए की सरकार, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, वो आज घटा करके निजी क्षेत्रों में सब काम दे रहे हैं और आज मात्र 35% सरकारी सेवाएं हैं। कहने का मतलब कि आज आरक्षण का जो मात्रा है, क्वांटम है, आज घटते जा रहा है। इसके चलते आज संवैधानिक खतरा है। दूसरी बात है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यही नहीं कहा था कि नौकरियों में ही आरक्षण दीजिए, उनका कहना था निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दीजिए। तो जब निजी क्षेत्र में आप सभी सेवाओं को ला रहे हैं तो आरक्षण देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं